इसमें से प्रथम जो आता अध्याय है, प्रथम अध्याय आपका जो संचार किसे कहते हैं, संचार की परिभाषा हम जान चुके हैं, ठीक है। तो आज हम जानेंगे संचार के तत्व क्या होते हैं। संचार के सात तत्व होते हैं। पहला तत्व होता है स्रोत या संचारक। इसका काम क्या होता है स्रोत या संचारक का? इसका काम होता है कि जो विचार प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने होते हैं, उन विचारों को ये अपने मस्तिष्क में उजागर करता है, जो संदेश होता है, ठीक है। अपने विचार या संदेश या भावना को ये किसी दूसरे तक पहुंचाने का काम करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम संचारक बोलते हैं या स्रोत बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे सेंडर बोलते हैं, सेंडर, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको अपने विचार अपने मित्र तक पहुंचाने हैं, तो आप क्या हुए, आप सेंडर बन गए, और आपका जो मित्र है, आपका मित्र क्या बन जाएगा, रिसीवर बन जाएगा, प्राप्तकर्ता जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसे हम संचार बोलते हैं। दूसरा है एनकोडिंग या कुटीकृत, तीसरा है संदेश, चौथा आपका माध्यम, पांचवा प्राप्त कर यानी कि शोर या नॉइज, शोर या नॉइज, ठीक है। तो ये सात तत्व माने गए हैं संचार के। अब इन सातों तत्वों के संदर्भ में जानेंगे। देखिए, संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है, यानी कि संचार की शुरुआत यानी कि कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग कहां से शुरू होगी, सेंडर से। जब स्रोत या संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार संदेश या भावना को किसी और तक पहुंचाना चाहता है, तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। जैसे आप स्वयं को स्रोत या संचारक मान लें, आपको इतिहास की किताब अपनी कक्षा के एक मित्र से आग्रह करना पड़ेगा। इस तरह जैसे ही आप किताब मांगने की सोचते हैं, संचार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जाहिर है कि किताब मांगने के लिए आप अपने मित्र से बातचीत करेंगे या उसे लिखकर संदेश भेजेंगे। बातचीत या संदेश भेजने के लिए आप भाषा का सहारा लेते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, संचारक या स्रोत बोलते हैं, इसी को सेंडर बोलते हैं। एक छोटा सा सीम साधारण सा एग्जाम्पल बता दूं। मान ये तो किताब की बात है, हिमांशु है, रमन है। अब हिमांशु को अपने जो विचार है किसी भी विषय से संबंधित अपने विचार रमन तक पहुंचाने हैं, ठीक है। तो हिमांशु क्या बन जाएगा, सेंडर बन जाएगा, यानी कि संचारक बन जाएगा। आइडियाज ये अपने दिमाग में लेके आएगा, ठीक है। तो फिर ये किसका प्रयोग करेगा, चैनल का प्रयोग करेगा, ठीक है। चैनल यानी कि दो तरह के हो जाएंगे, एक दृश्य सर्वे माध्यम, एक सर्वे माध्यम, ठीक है। ये दो तरह के चैनल हो जाएंगे, यानी कि चैनल में मोबाइल फोन आ गया, इंटरनेट आ गया, ब्लैक बोर्ड है, किताब है, सभा है, ये इस प्रकार के ये सभी चैनल, रेडियो है, ये चैनल का काम करते हैं। और फिर जो रमन है, रमन क्या हो जाएगा, प्राप्तकर्ता हो जाएगा, रिसीवर। और जो संदेश सेंडर ने भेजा यानी कि हिमांशु ने भेजा है, वो रमन तक पहुंच गया। अब रमन उसे पढ़ेगा, पढ़ने के बाद इस पर उसका इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव पड़ने के बाद ये अपनी फीडबैक देगा। फीडबैक के बाद जैसे ये अपनी फीडबैक रखेगा, वो फीडबैक इसकी
नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, दोनों तरह की हो सकती है फीडबैक, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि ना भी दे, ये भी हो सकता है कि ना भी दे। अगर फीडबैक नहीं देता है तो सोच लीजिएगा कम्युनिकेशन वहीं बंद हो गया, ठीक है। अगर फीडबैक देता है नेगेटिव या पॉजिटिव तो कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग कंटिन्यूटी में चलती रहती है, ठीक है। अब ये जैसे ही फीडबैक देगा तो ये जो रमन है, रमन सेंडर बन जाएगा, इसके दिमाग में आइडियाज आएंगे, आइडियाज के बाद ये चैनल का प्रयोग करेगा। और जो हिमांशु है, हिमांशु, हिमांशु क्या बन जाएगा, हिमांशु बन जाएगा रिसीवर, जो पहले सेंडर था। ये जो प्रोसेसिंग कंटिन्यूटी में चलती रहती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग, इसे क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग, ठीक है। अब आगे देखिए, दूसरा, दूसरा है कुटीकृत या एनकोडिंग। कुटीकृत या एनकोडिंग क्या होता है, ये संचार प्रक्रिया का दूसरा चरण माना गया और ये सबसे सफल चरण होता है। सबसे सफल चरण क्यों माना गया इसको, क्योंकि टोटल टोटल किस पर डिपेंड होता है, ये होता है लैंग्वेज पर। अब जो हिमांशु है, हिमांशु को जो अपने विचार रमन तक पहुंचाने हैं, अब जैसी लैंग्वेज हिमांशु ने अपने विचारों में प्रयोग की है, चाहे वो उर्दू प्रयोग की है, चाहे वो हिंदी प्रयोग की है, संस्कृत प्रयोग की है, अरबी प्रयोग की है, कहने का तात्पर्य ये है जो भी भाषा इसने, हिमांशु ने प्रयोग किया अपने विचारों में, संदेश में जो इन्हें रमन तक पहुंचाने हैं, वही भाषा किसको आनी चाहिए, वही लैंग्वेज किसको आनी चाहिए, रमन को। तभी ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो संचार है, ये सफल माना जा सकता है, ठीक है। उसी को, यानी कि जिस भाषा में आप अपने संदेश, आप अपने विचार, आप अपने भाव दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, वही भाषा दूसरे को भी आनी चाहिए। आप तो लिख रहे हो इंग्लिश में, हिमांशु तो लिख रहा है इंग्लिश में, अब इंग्लिश रमन को आती नहीं, ना तो पढ़नी आती, ना उसे समझ नहीं आती, उसके भाव, उसके उन शब्दों के अर्थ उसे पता ही नहीं। तो ये जो संदेश इसने, हिमांशु ने रमन तक पहुंचाया है, ये सक्सेस नहीं हो पाएगा, ये सफल नहीं हो पाएगा, यानी कि जो कम्युनिकेशन है वो अधूरा रह गया, ठीक है। तो कुटीकृत या एनकोडिंग का काम क्या होता है, भाषाओं से संबंधित, भाषाओं से संबंधित जिससे हम बात करते हैं उसे आपकी भाषा आनी चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक है। तभी तो इसको संचार की प्रक्रिया का दूसरा चरण माना गया है और ये सफल चरण इसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, पढ़िए इसके बारे में। भाषा असल में एक तरह का कूट चिन्ह या कोड है, आप अपने संदेश को उस भाषा में कुटीकृत या एनकोडिंग करते हैं, यह संचार की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। सफल संचार के लिए यह जरूरी है कि आपका मित्र भी उसी भाषा यानी कि कोड से परिचित हो जिसमें आप अपना संदेश भेज रहे हैं। इसके साथ ही संचारक या एनकोडिंग की प्रक्रिया पर भी पूरा अधिकार होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि सफल संचार के लिए संचारक का भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए, साथ ही उसे अपने संदेश के मुताबिक बोलना या लिखना भी आना चाहिए। ये है कुटीकृत, इसे एनकोडिंग बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे एनकोडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरा है संदेश, तीसरा क्या है, संदेश। अब संदेश क्या है, इसके बाद संचार प्रक्रिया में अगला चरण स्वयं संदेश का है। संचार प्रक्रिया में संदेश का बहुत ही महत्व होता है। किसी भी संचारक का सबसे प्रमुख उद्देश्य अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना है,
इसलिए सफल संचार के लिए जरूरी है कि संचारक यानी कि सेंडर अपने संदेश को लेकर खुद पूरी तरह से स्पष्ट हो। संदेश जितना स्पष्ट होगा, सीधा होगा, संदेश के प्राप्तकर्ता को उसे समझना उतना ही आसान होगा। संदेश के बारे में एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। मान लो अभी हम ये चैप्टर कर रहे हैं, क्या नाम है, जनसंचार माध्यम, इस अध्याय को कर रहे हैं। मैं इस समय सेंडर हूं, आप रिसीवर हो, ठीक है। चैनल क्या हो गया, ये स्क्रीन शेयर मोबाइल हो गया, ठीक है। और थॉट क्या हो गए, थॉट ये हो गए, ये जो चैप्टर से रिलेटेड जो कुछ भी मैंने आपको बताना है, इसके संचार की विशेषताएं, इसके तत्व, इसके अंश भाग जो भी हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बताने हैं। अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को अगर मैं अच्छे से आपको इसका स्पष्टीकरण कर पाता हूं, एक एक शब्द, एक एक पंक्ति का अर्थ आपको बता पाता हूं, ठीक है, तो ये जो मेरा संदेश आप तक पहुंचाने का है, यानी कि इस चैप्टर से संबंधित ये संदेश हो गया आपका, ये जो भाव है, ये जो विचार है, ये क्या हो गए, ये तभी सफल होगा जब मुझे इसका क्लैरिफिकेशन होगा, ठीक है। अब मान लो कोई डाउट रह जाता है, कई बार हम पढ़ते पढ़ते समय कोई डाउट रह जाता है चैप्टर में, साइंस का है, मैथ का, इंग्लिश का, हिंदी का, और आपको समझ ही नहीं आया, तो ये सोच लीजिएगा वो जो संदेश मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, उस संदेश पर क्या होना चाहिए, मेरी पूरी पकड़ होनी चाहिए। यानी कि ये जो चैप्टर मैंने आज शुरू किया, इस चैप्टर के संदर्भ में मेरे पास सभी तरह के एग्जाम्पल होने चाहिए, बहुत सारे एग्जाम्पल हो, इसके बारे में मुझे पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए, पहले से ही मेरी एक प्री प्लान होनी चाहिए, प्रिपेशन होनी चाहिए, ठीक है। और जब ये प्रिपेशन होगी तभी तो ये संदेश सफल होगा, तभी तो ये आपको समझ आएगा, ठीक है ना। तो यानी क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टीकरण होना चाहिए, इस पर एक मजबूत पकड़ होनी चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए कि मैंने ये चैप्टर पढ़ा तो दिया, पढ़ाने के बाद कोई भी विद्यार्थी कोई भी सवाल जो आप कर सकते हैं इस चैप्टर से संबंधित, तो उस जब भी वो सवाल जो आप करोगे उनके संदर्भ में मैं भलीभांति पूर्वक परिचित हूं, मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, संदेश कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो कुछ भी हमें भेजना है, जिसके पास भी भेजना है, वो उस संदेश के बारे में नकारात्मक सकारात्मक रूप से हमें पूरा का पूरा स्पष्टीकरण हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। आगे चलिए, चौथा है चैनल, जिसको माध्यम बोलते हैं। ये दो तरह के होते हैं चैनल, मैंने आपको पहले ही बताया, एक होता है दृश्य श्रव्य माध्यम, जैसे टेलीविजन हो गया, दृश्य श्रव्य माध्यम में टेलीविजन के माध्यम से हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, और एक माध्यम होता है श्रव्य माध्यम, जिसमें सिर्फ सुनाई सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता, जैसे रेडियो है, ठीक है। आप देखिए, संदेश को किसी माध्यम के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है, जैसे हमारे बोले हुए शब्द ध्वनि तरंगों के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंच जाते हैं, जबकि दृश्य संदेश प्रकाश तरंगों के जरिए पहुंचता है, इसी तरह वायु तरंगों के जरिए भी संदेश पहुंच जाता है, जैसे खाने की खुशबू हम तक वायु तरंगों के जरिए पहुंचती है। अब जैसे परफ्यूम लगाते हैं हम, परफ्यूम लगा लिया कपड़ों पे, शरीर पे, बालों में परफ्यूम लगा लिया, पड़ोसी पड़ोसी तक उसकी महक पहुंच जाती है, ये क्या है, ये किसका काम करता है, चैनल का काम करता है, ठीक है। तो जैसे स्पर्श या छूना भी एक तरह का माध्यम ही होता है, किसी को टच करना यह भी एक तरह का माध्यम है, इसी तरह टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, फिल्म आदि विभिन्न माध्यमों के जरिए भी संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। अब ये जितने भी नाटक देखते हैं, जितने भी फिल्में देखते हैं, जैसे
आजकल आईपीएल क्रिकेट मैच चल रहे हैं, आप इस आईपीएल क्रिकेट मैच को हम क्या करते हैं, अगर हमें दृश्य श्रव्य माध्यम के माध्यम से इसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त करनी होती है तो हम क्या करते हैं, मोबाइल पे ऐप डाउनलोड किया और मोबाइल पे लाइव मैच देखना शुरू कर देंगे या टेलीविजन पर। अगर हमें इसे सिर्फ सुनना है या खाली इसे पढ़ना है तो क्या करेंगे, हम रेडियो का प्रयोग करेंगे या न्यूज़पेपर में हम क्या करेंगे, सुबह न्यूज़पेपर को उठाएंगे, स्कोरबोर्ड देखेंगे कि विराट कोहली ने क्या स्कोर बनाया, केएल राहुल का क्या स्कोर है, भुवनेश्वर कुमार ने कितनी विकेट ली है, ये जान लेते हैं। यही है ना, अब जैसे माध्यम है, माध्यम अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल में जो चुनाव है उसमें ये जो नेतागण है हमारे, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह है या फिर ममता बनर्जी है या फिर कोई भी अन्य नेता किसी भी दल से, ये क्या करेंगे, ये सेंटर बन जाते हैं, प्रचार करते हैं, अपनी अपनी पार्टियों का अपनी अपनी गाथाएं गाते हैं और पहले से प्री प्लान करते हैं। ये पहले से क्या करते हैं, प्री प्लान, क्या बोलना है, किसके बारे में बोलना है, कितना बोलना है, कहां पर बोलना है, पहले से प्री प्लान होता है। और फिर क्या करेंगे, ये तो उनके आइडियाज हो गए, फिर वो चैनल का प्रयोग करेंगे, चैनल में वो सभा, सभा के माध्यम से यानी कि लोगों को एकत्रित करेंगे, लोगों को जनसभाएं करते हैं, जनसभा करके वो जो जनसभा है वो किसका काम करती है, चैनल का काम करती है, माध्यम का काम करती है। कई बार आपने देखा भी होगा टेलीविजन पर मन की बात, नरेंद्र मोदी जी के साथ मन की बात, ये जो टेलीविजन पर या मन की बात ये रेडियो पर जो प्रसारण किया जाता है मन की बात का, नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का, ठीक है, ये रेडियो पर भी इसका प्रसारण होता है और इसका प्रसारण किस पर भी होता है, टेलीविजन पर भी, मोबाइल फोन पे, इंटरनेट पे भी हम देखते हैं, ट्विटर वगैरह वगैरह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये जो चैनल है जिनके माध्यम से हम अपने विचारों को लोगों के समक्ष प्रकट करना चाहते हैं, ठीक है, जो भी माध्यम अपना लिया, चाहे वो जनसभा करके, चाहे फिर वो टेलीविजन का प्रयोग करके, चाहे पुस्तक का प्रयोग करके, चाहे मोबाइल फोन का, चाहे ब्लैक बोर्ड का, ठीक है, या रेडियो का, इंटरनेट का, ये जितने भी सुविधाएं हैं, ये जितने भी सुविधाएं उपलब्ध है, ये जितने भी, ये सभी के सभी किसका काम करेंगे, चैनल का काम करेंगे, माध्यम का काम करेंगे, ठीक है। अब जैसे एक और सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, मान लीजिए आपको अपने क्षेत्र के, अपने राज्य के मुख्यमंत्री जी से मिलना है, डायरेक्ट आप मिल नहीं सकते, ठीक है, आप सेंडर हो, आप अपने क्षेत्र की समस्या को मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हो, ठीक है। अब आपने क्या किया, डायरेक्ट आपको मिलने नहीं देते, आपने लिखित रूप में एक चिट्ठी लिखी, एक पत्र लिखा और वो पत्र मुख्यमंत्री जी के नाम लिख दिया, राज्य सरकार के नाम लिख दिया, तो वो जो पत्र है वो चैनल का काम करेगा। या फिर आप किसी विधायक के माध्यम से, एमएलए या सांसद के माध्यम से मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाते हो, जो ये एमएलए है, ये मुख्यमंत्री ने जो एमएलए या फिर सांसद ने जो मुख्यमंत्री से मिलाने का काम किया, वो किसका काम करेगा, वो एक चैनल का काम करता है, ठीक है, वो किसका काम करता है, चैनल का। चलिए आगे चलते हैं, प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर, प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर, यानी कि ये जो माध्यम, ये इसके माध्यम हुए दो तरह के, एक दृश्य माध्यम, दृश्य श्रव्य माध्यम, एक श्रव्य माध्यम, ठीक है, आगे जानेंगे इनके विषय में। पांचवा है प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर, प्राप्त संदेश का कूट वाचन यानी कि उसके डिकोडिंग करना ही, डिकोडिंग यानी कि एनकोडिंग का उल्टा क्या हो गया, डिकोडिंग, एनकोडिंग का उल्टा क्या हो गया, डिकोडिंग, पेपर में ये पूछे जाते हैं एनकोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है, ठीक है। तो डिकोडिंग का अर्थ हुआ कि प्राप्त संदेश में जो छिपा हुआ अर्थ है ना उसे समझने की कोशिश करना,
जो संदेश रिसीवर तक पहुंचा है, सेंडर ने जो संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया है, उस संदेश में जो अर्थ छिपा हुआ है उसे प्राप्तकर्ता जब समझ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिसीवर या प्राप्तकर्ता ही कहते हैं। यानी कि प्राप्त संदेश में इसके जो वास्तविक इसका अर्थ हुआ प्राप्तकर्ता या रिसीवर का या डिकोडिंग का, ये हुआ कि प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश करना, यह एक तरह से एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। एनकोडिंग की क्या है, उल्टी प्रक्रिया। इसमें संदेश, अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा, इसमें संदेश का प्राप्तकर्ता उन चिन्हों और संकेतों के अर्थ निकालता है। जाहिर है कि संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों का उस कोड से परिचित होना जरूरी है। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की भी अहम भूमिका होती है, क्योंकि वही संदेश का आखिरी लक्ष्य होता है। प्राप्तकर्ता कोई भी हो सकता है, वह कोई एक व्यक्ति हो सकता है, एक समूह भी हो सकता है, कोई एक संस्था अथवा एक विशाल जनसमूह भी हो सकता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल जनसभा का, एग्जाम्पल आप लोगों का, ठीक है, आप सभी क्या हो इस समय, जो भी क्लास अटेंड किए हुए जितने भी विद्यार्थी, आप सभी क्या हो, आप सभी प्राप्तकर्ता हो इस समय, रिसीवर हो। जो कुछ भी आज मैं आपको इस अध्याय के संदर्भ में बताऊंगा, इस अध्याय के को पढ़ने के बाद इसमें का में से जो आपने इसमें जो छिपा हुआ संदेश है, निहित संदेश है, जो वो जब आपको समझ आ जाएगा कि कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है, ये चीज जो अब आपके समझ आ जाएगी तो उसे ही हम डिकोडिंग कहते हैं। आई बात समझ में? अकेला व्यक्ति भी हो सकता है, एक पूरा समूह भी हो सकता है, एक पूरी संस्था भी हो सकती है, और एक विशाल जनसमूह भी प्राप्तकर्ता का काम कर सकता है। प्राप्तकर्ता को जब संदेश मिलता है तो वह उसके मुताबिक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। प्रतिक्रिया होते हैं फीडबैक, और ये जो फीडबैक है मैंने आपको पहले बताया, ये नेगेटिव भी हो सकती है और ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। वह प्रतिक्रिया सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है, यानी आपका मित्र कह सकता है कि वह किताब देगा या नहीं देगा। जो किताब, जिस किताब से कम्युनिकेशन की शुरुआत हुई थी, ठीक है, आपने अपने मित्र से किताब मांगी थी ना, तो आगे है, संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की इस प्रतिक्रिया को फीडबैक कहते हैं। संचार प्रक्रिया की सफलता में फीडबैक की अहम भूमिका होती है। फीडबैक से पता चलता है कि संचार प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा तो नहीं आ रही है। इसके अलावा फीडबैक से यह भी पता चलता है कि संचारक ने जिस अर्थ के साथ संदेश भेजा था वह उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता को मिला है या नहीं। इस फीडबैक के अनुसार ही संचारक अपने संदेश में सुधार कर सकता है, और इस तरह संचार की प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। मैं सेंडर हूं इस समय, आप रिसीवर हो, ठीक है। अब जैसे ही 5 मिनट रहती है आपकी कक्षा समाप्त होने पर, तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि अगर इस अध्याय के संदर्भ में किसी भी विद्यार्थी को कुछ जानना है, कोई समस्या है, कोई भी सवाल जवाब करना है, तो वो आप पूछ सकते हो, यानी कि आपसे फीडबैक ली जाएगी, या मैं आपसे सीधे क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ, ठीक है, कि भाई संचार क्या है, संचार के कितने तत्व है, ये इस तरह से आप में से जो बताएगा वो क्या हो जाएगी, फीडबैक के तौर पे मिलेगा। अब किसी को नहीं समझ आया है, किसी को ये समझ आ गई, यानी कि ये फीडबैक नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, सीधी सी बात है, ठीक है। आगे चलिए, अंतिम है शोर। लेकिन वास्तविक जीवन में, अब शोर से मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं या इस समय हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप पढ़ते समय, अध्ययन करते समय कई बार आप देखते हो अड़ोसी पड़ोसी की बोलते हुए आवाज सुनाई देती है, या डीजे की, या फिर कोई अन्य प्राकृतिक यंत्र होता है, कोई भी यंत्र होता है, या
ये ट्रैफिक है, इनकी आवाजें सुनाई देती है। तो कई बार तो क्या होता है, आवाज बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है, और हमें समझ ही नहीं आता क्या बोले जा रहे हैं, हमारा पूरा का पूरा ध्यान भटक जाता है और हम उसकी ओर जिधर से भी जो भी आवाज आ रही है जिस भी रूप में, हमारा पूरा का पूरा ध्यान उसी की ओर खींचा चला जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी बाधा होती है, कम्युनिकेशन में ये सबसे बड़ी क्या होती है, बाधा होती है। जैसे ऑनलाइन क्लास चल रही है, अभी आप में से किसी ने गाना चला दिया या इधर से कुछ मिस्टेक हो गई या मोबाइल पर जैसे बार बार फोन आ रहे हैं, बीच बीच में मेरे पास फोन आ रहे हैं या मैसेज आ रहे हैं, ये क्या है, ये एक तरह से इसमें बाधा का काम करती है, ये शोर है, ठीक है। ये क्या है, इसको शोर बोलते हैं, नॉइज बोलते हैं। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन वास्तविक जीवन में संचार प्रक्रिया इतनी सुचारू रूप से नहीं चलती, उसमें कई बाधाएं भी आती है, इन बाधाओं को शोर कहते हैं। संचार की प्रक्रिया को शोर से बाधा पहुंचती है, यह शोर किसी भी किस्म का हो सकता है, यह मानसिक से लेकर तकनीकी और भौतिक शोर तक भी हो सकता है। शोर के कारण संदेश अपने मूल रूप में प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता, ये बात मैंने पहले ही बता दी आपको। सफल संचार के लिए संचार प्रक्रिया से शोर को हटाना या कम करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, ये देखो पूरी की पूरी ये प्रोसेसिंग बनी हुई है कम्युनिकेशन की, यही बात मैंने आपको विभिन्न उदाहरणों से आपको समझाने की कोशिश की है। पहले स्रोत या संचारक, यानी कि इसको सेंडर बोलते हैं, सेंडर के बाद संदेश। इस संदेश में जैसे हम मान लो आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं और बीच बीच में आवाजें आ रही है, यहीं से शोर शुरू हो जाता है, ठीक है। या माध्यम, चैनल के माध्यम से, चैनल के मान लो अभी जैसे व्हाट्सएप से ये स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, इसमें बार बार मैसेज आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं, ये क्या है, ये बाधा का काम करते हैं, शोर का काम करते हैं, नॉइज का काम करते हैं। या बीच बीच में किसी प्रकार की अन्य प्रकार की या तो तकनीकी या भौतिक या फिर मानसिक ये किसी की आवाज आ सकती है, ये क्या है, शोर का काम करेगी। अब ये बीच बीच में जो आवाजें आती रहती है, ये प्राप्तकर्ता तक जो भी संदेश मैं आपको पहुंचाना चाहता हूँ या कोई भी सेंडर है वो रिसीवर तक अपना जो भी संदेश या आइडियाज या थॉट जो भी पहुंचाना चाहते हैं वो अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाते। जैसे कई बार तो खिड़की दरवाजों की या पंखे की आवाज आती रहती है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, संदेश यानी कि मैसेज, यानी कि आइडियाज थॉट, ठीक है। इसके बाद ऊपर नॉइज, फिर चैनल में मैंने आपको दो तरह के बताए हैं, एक बताया मैंने आपको दृश्य सर्वे माध्यम और एक बताया सर्वे माध्यम। फिर रिसीवर के बाद क्या हो जाएगी, फीडबैक। यहाँ पर रिसीवर के बाद इफेक्ट भी पड़ता है, प्रभाव, क्योंकि वो फिर फीडबैक कैसे देगा, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। और ये जो प्रोसेसिंग चलती रहती है फीडबैक मिलने पर, इसको ही हम वास्तव में क्या कहते हैं, इसे ही हम संचार कहते हैं। और संचार क्या है, विचारों का, भावों का, संदेश का आदान प्रदान ही संचार है। ये कंटिन्यूटी में जो प्रोसेसिंग होती रहती है, इसी को हम कम्युनिकेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं, संचार के प्रकार। अब संचार के प्रकार अलग अलग है, ठीक है, बहुत सारे प्रकार हैं, उसमें सांकेतिक भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, अमौखिक भी हो सकता है, अंतर्वैयक्तिक भी हो सकता है जिसे इंट्रापर्सनल बोलते हैं, अंतर्वैयक्तिक भी हो सकते हैं जिसे इंटरपर्सनल बोलते हैं, समूह संचार भी होता है, और बात आती है जन संचार की, यानी कि मास कम्युनिकेशन की, जो कि मास कम्युनिकेशन किसका पार्ट है, कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट माना गया, एक हिस्सा माना गया, ठीक है। तो ये अलग अलग जो प्रकार हैं इनके संदर्भ में हम जानेंगे।
ठीक है। संचार के प्रकार, संचार एक जटिल प्रक्रिया है, उसके कई रूप या प्रकार हैं। हम यहाँ अध्ययन की सुविधा के लिए उन्हें अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे। वैसे संचार के विभिन्न रूप या प्रकार एक दूसरे में भी काफी घुले मिले हैं, उन्हें अलग अलग देखना काफी मुश्किल है। चलिए अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा। जैसे कभी आप अपने लिए मित्र को इशारे से बुलाते हैं, जाहिर है कि यह इशारा भी संचार है। इसे हम क्या कहते हैं? सांकेतिक संचार कहते हैं। इशारे से, जैसे कई बार टीचर आंखों से इशारा करता है, कोई बच्चा कक्षा में पढ़ाते समय बोल रहा है या पढ़ते समय बोल रहा है, आवाज कर रहा है, या कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो उसे टीचर क्या करता है? संकेत के माध्यम से, आंखों के संकेत के माध्यम से, या अपने चेहरे के भाव से, थोड़ा सा निराशा का, उदासी का, या क्रोधी स्वभाव दिखा देता है अपना अपने चेहरे का, या फिर हाथ से बगैर बोले, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं जेस्चर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जेस्चर। जेस्चर कम्युनिकेशन, जेस्चर कम्युनिकेशन, ठीक है। इसे हम सांकेतिक संचार कहते हैं। आगे चलिए। जब हम अपने से बड़ों को सम्मान से प्रणाम करते हैं तो उसमें मौखिक संचार के साथ साथ दोनों हथेलियां जोड़कर प्रणाम का इशारा भी करते हैं। इस तरह का एक चेहरे या हाथ की गति और स्वर के, और ये देखिए, इस तरह एक ही साथ मौखिक और अमौखिक संचार भी हो गए। मौखिक यानी कि बोलकर, जैसे सुबह आप बोलते नहीं हो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, ये मौखिक हो गया। अब कई बार हम क्या करते हैं? टीचर के पैरों की ओर हाथ करते हैं, ठीक है, चरणों की ओर हाथ करते हैं ना, या कई बार गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, और साथ के साथ में दोनों हाथों को टीचर के सामने क्या करते हैं? जोड़ते हैं, जोड़कर प्रणाम करते हैं। तो वो जोड़कर प्रणाम करना या टीचर की ओर, टीचर के चरणों की ओर जो आप हाथ करते हो, वो क्या हो गया? आपका अमौखिक संचार हो गया। वो किसका काम करेगा? अमौखिक संचार का काम करता है। चलिए, जैसे हम किसी से बातें करते हुए अपनी आंखों, चेहरे, हाथ की गति और स्वर के उतार चढ़ाव के जरिए मौखिक संचार की अमौखिक क्रियाओं की मदद कर रहे होते हैं। मौखिक संचार की सफलता में अमौखिक संचार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे जीवन में, हमारे जीवन की कुछ अमौखिक संचार के जरिए प्रकट होती है। जैसे खुशी है, खुश रहते हैं, दुख है, प्रेम है, डर है, ये सभी किसका काम करते हैं? ये अमौखिक कम्युनिकेशन का काम करते हैं, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए बाकी करेंगे कल, यहां तक निशान लगा लीजिएगा। अब आप में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए आदित्य। यस सर। पूछना है इसके विषय में कुछ भी? नो सर। समझ आया? यस सर। क्या समझ आया बताओ, पूरी प्रोसेसिंग बताओ मुझे। कम्युनिकेशन क्या है सर? दो या दो से अधिक व्यक्ति जब भी अपनी भावनाओं को या अपनी बात का आदान प्रदान करते हैं, उसी को संचार बोलते हैं। उसी को संचार बोलते हैं। मुझे ये बताओ, क्या संचार यानी कि कम्युनिकेशन करने के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता है, या अकेले व्यक्ति से भी कम्युनिकेशन हो सकता है? अकेले से भी हो सकता है सर। कैसे बताओ सर? अगर हम अकेले में बैठ के, अगर हम अकेले में बैठ के अपने आप से ही बातें करते, तो वो भी एक तरह का संचार ही होता है। हाँ, जैसे हम अकेले में रहते हैं और अकेले में हम बैठे बैठे कुछ ना कुछ हमारे खोपड़ी में, मस्तिष्क में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, कोई ना कोई विचार दौड़ रहा होता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ठीक है, तो वो क्या है? वो कम्युनिकेशन का काम करता है। आई बात समझ?
चलिए। और इमानसो ये बताओ मुझे,